वही मिस्टर डूबी फॉरन हाइसन के ऑफिस में आते हैं और आती उससे पूछते हैं क्या तुम ली को जानती हो। हाइसन सुन के हैरान होती है और कहती है क्या मैं उससे अपने काम करवाती हूँ, लेकिन तुम उसको कैसे जानते हो। मिस्टर डूबी का जवाब देने के बजाय उससे पूछते हैं क्या तुमने उसको कहा था कि वो नहीं के फादर को किडनैप कर ले। ये सुनकर हाइसन भी हैरान होती है, कहती है कि नहीं हमारी ऐसी तो आज तक कोई भी डील नहीं हुई। लेकिन मिस्टर डू को कहीं ना कहीं यकीन आ जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो इन्हीं को कुछ देने नहीं देगी और वो उसको कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा घिरी हुई हो कि एक मेंशन को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो। हाइसन उनको कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने आज तक ऐसी कोई भी डील नहीं की, मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया था कि हम दोनों मिलकर उस पूरे इलाके को रीडेवलप करेंगे, मगर अब तुमने जो मेंशन के साथ किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए और मुझे अब तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आज ही मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ और जो भी कंपनसेशन के पैसे हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कह के मिस्टर डू वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ली का दिखाया जाता है। हाइसन फौरन ली को कॉल करती है और उसको सुनाने लगती है। उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम इन्हीं के फादर को किडनैप कर लो और उनका ये हाल करो, तुम हर चीज का ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रहे हो जो कि तुमने खुद से किया है। ली कहता है कि वो तुम्ही थी जिसने मुझे कॉल करके कहा था कि हर हाल में तुम्हें वो मेंशन चाहिए भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो क्या तुम्हारी इस बात का ये मतलब नहीं था कि भले मुझे उस घर के ओनर को मारना भी पड़े। ये सुनकर हाइसन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। ली कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अकेला ही छोड़ दो और आइंदा की बात मुझे कॉल मत करना। ये कहते हुए वो फोन को रख देता है। ली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अच्छा खासा मिस्टर डू का प्रोजेक्ट उसके हाथों से चले गया। वही हमें नहीं का दिखाया जाता है, वो पूरे दिन से भूखी होती है और अपने कमरे में लॉक होती है। उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं क्या बेटा कुछ हुआ है जो तुम इस तरह से कर रही हो, जिसपे इन्हें उनको बताती है कि डैड गोयल यहाँ से जा चुका है। डैड को ये बात समझ में नहीं आती तो उसको कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसपे इन्हें उनको सारी बात बताने लग जाती है कि जब चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, मैं वही हूँ जिसकी वजह से वो इंसान नहीं बन पाया क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने उसका कॉफिन खोलकर उसको उठा दिया था। डैड सुन के हैरान होते हैं, कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, डैड अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो वो मर जाएगा, मुझे हर हाल में उसको ढूंढना ही होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ और मैं उसको ढूंढ नहीं पाई तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी जिंदा रह पाऊंगी। उसके डैड उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तो वो हिम्मत करके इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या इन्हें ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हों जिसपे इन्हें हाँ कर देती है। ये सुन के डैड और भी ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आंटी और अंकल रीडेवलपमेंट के पेपर लेकर आते हैं, मगर गेट के ऊपर इन्हीं के डैड आ जाते हैं। जब वो दोनों उनको देखते हैं तो देखे हैरान होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर आप कहाँ चले गए थे, हर कोई आपको ढूंढ रहा था। ये सुन के इन्हीं के डैड बात को संभाल लेते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था जहाँ पर मैं फोन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसी वजह से ऐसा हो गया। फिर ये लोग आके बैठ जाते हैं और आंटी उनको पेपर दिखाती हैं और कहती हैं क्या आप दोबारा से घर बेचने के लिए मना मत कीजिएगा, इस तरह की अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आती और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। डैड उनकी बातें सुन के परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि अब वो जानते हैं कि ये घर वोयल का है। अंकल भी कहते हैं क्या आप अपनी बेटी से मशवरा करके हमें बता दें, अच्छा होगा कि आप लोग ऐसा ही करें क्योंकि गेस्ट हाउस से ज्यादा आपको इस चीज से प्रॉफिट होगा। डैड बात को टालने के लिए कहते हैं कि अभी तो मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उससे बात कर लूंगा। ये सुन के दोनों थोड़े डिसअपॉइंट होते हैं। आंटी उनको कहती हैं कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा इससे पहले इस जगह की वैल्यू गिर जाए क्योंकि काफी ज्यादा र्यूमर्स हैं कि इस घर के अंदर वैम्पायर रहता है। डैडी बात सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं, लेकिन आंटी खुद ही हंसने लग जाती है, कहती हैं कि मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं आएगा। ये सुनकर डैड भी हंसने लग जाते हैं और ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये सब कुछ मजाक हो। डैड वो पेपर लेकर अंदर आ जाते हैं और इन्हीं के साथ बैठ के इस बारे में बात करने लगते हैं और उसको समझाते हैं, कहते हैं कि मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ, अगर तुम मेरी मानो तो हमें इस घर को बेच कर कहीं दूर चले जाना चाहिए जहाँ पर कोई भी हमें ना ढूंढ पाए, यहाँ पे इस तरह से इस घर के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा खतरा है और तुम्हें किसी ऐसे इंसान को डेट करना चाहिए जो कि कोई आम इंसान हो ना कि कोई वैम्पायर। लेकिन इन्हें ये सुनने के बाद साफ मना कर देती हूँ, कहती है कि मैं इस घर को नहीं बेचूंगी बल्कि इस घर के अंदर है कि मुझे भूल के आने का वेट करना है। ये कहने के बाद इन्हें उठ के वहाँ से जाने लग जाती है। डैड उसकी सब बातें सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इन्हें मान जाए। वही नेक्स्ट टाइम मिस्टर डू का दिखाया जाता है, उनके पास ली की कॉल आती है तो उसको कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल क्यों की। ली उनको कहता है कि मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं आपके लिए फेवर करता हुआ जाऊँ। मिस्टर डू कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। ली कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे बुल खुद ब खुद मर जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसकी जान अब किसमें बसती है। ये कहते हुए ली फोन रख देता है। मिस्टर डू भी समझ जाते हैं कि वो इन्हीं की बात कर रहा है। ये सुनकर बहुत परेशान होते हैं, फौरन भागते हुए वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही में ली का दिखाया जाता है, वो भी गेस्ट हाउस आने लगता है। डैड जब उसको देखते हैं तो देख के एकदम डर जाते हैं। उसको देखते ही वो घर के अंदर आ जाते हैं, इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अपने रूम में आके अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि दोबारा से मुझे पकड़ने के लिए आ गया है और अबकी बार तो ये मुझे मार देगा। वो गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़ा होता है कि इतने में इन्हीं वहाँ पर आ जाती है, उससे पूछती है कि आपको कोई काम है, जिसपे ली कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए। वो कहती है कि ठीक है आप अंदर आ जाए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। लेकिन ली वो का जिक्र करता है और बताता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसी से मिलने के लिए आया हूँ। इन्हें ये सुन के एकदम घबरा जाती है और समझ जाती है कि ये भी कोई वैम्पायर होगा। वही नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि ली इन्हें को घर के पीछे वाले से मिले आता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। इन्हें उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और आखिर तुम हो कौन। ली कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं भूल से मिलने के लिए आया हूँ, तो मुझे खामोशी से बताओ कि भूल कहाँ है। इन्हें कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ली को सुन के खुद
गुस्सा आने लग जाता है। वो समझता है कि ये झूठ बोल रही है और वहीं बुयल को भी दर्द होने लग जाता है। जैसे उसको पता चलने लगता है कि इन्हें किसी प्रॉब्लम में है। इन्हें भी उसको मारने के लिए डंडा उठा लेती है, लेकिन ली अपनी पावर से उसी का गला दबाने लगता है और उसको ऊपर उठा लेता है। इन्हें का गला घुट रहा होता है, लेकिन इतने में बुयल वहाँ पर आ जाता है और आते ही वो ली को लात मारता है, जिसकी वजह से पावर्स टूट जाते हैं और इन्हें भी नीचे गिर जाती है। इन दोनों की फाइट होने लगती है। ली बुयल के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो लगातार बुयल को मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आंटी को थोड़ा शोर महसूस होता है, तो वो भी छुपके आकर देखने लगती है। जब वो बुयल और ली का ये रूप देखती है तो देख के एकदम ही हैरान हो जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि बुयल एक वैम्पायर है। वहीं दूसरी तरफ बुयल को इतना तकलीफ दे के इन्हें उसकी तरफ भागते हुए जाने लगती है, मगर ली उसका गला पकड़ लेता है। बुयल जब ये चीज देखता है तो देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तो वो आके ली को मुक्का मार के हटाता है। ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक पावर को इस्तेमाल करता है, लेकिन बुयल उसकी पावर को पहचान जाता है और उसको उठा के पीछे फेंकता है। ली भी ये देख के एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसके पास अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई। ये सोचते हुए भागने को ज्यादा अच्छा समझते और बुयल को कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये सोचते हुए फौरन भागता वहाँ से चला जाता है। बुयल एक दफा भी इन्हीं की तरफ नहीं देखता और फिर से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इन्हीं भागते हुए आके उसको पीछे से पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम मुझे फिर से इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते, जबकि तुमने मुझसे वादा किया था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बुयल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और फौरन उसको गले से लगा लेता है। इन्हीं रो रही होती है और बुयल उससे माफी मांगने लगता है। वहीं इतने में मिस्टर डू आ जाते हैं। इन दोनों को इस तरह सहा करते हुए देख के काफी ज्यादा हर्ट होते हैं। इन्हें बुयल से प्रॉमिस भी ले लेती है कि अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, जिसमें बुयल भी मान जाता है। फिर ये दोनों घर पर आते हैं तो सांग और डैंग बुयल को देख के एकदम खुश हो जाते हैं और बुयल को कहते हैं कि तुम हमें बताए बगैर ऐसे कैसे जा सकते हो, हम लोग दोस्त हैं, हम तुम्हारी वजह से कितने ज्यादा परेशान हो गए थे, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम तुम्हें दोबारा कभी देख ही नहीं पाएंगे। बुयल उनकी बातें सुनकर उनसे माफी मांगने लगता है। ये सुनकर ये दोनों ही बुयल को हग कर लेते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। काफी ज्यादा रात गुजर जाती है। इन्हीं को उसके डैड नजर नहीं आते, तो अपने डैड से मिलने के लिए उनके रूम में आने लगती है। रूम में आती है तो देखती है कि डैड अलमारी के पीछे छुपे हुए हैं। ये देखकर वो एकदम उनसे पूछती है कि डैड आपको क्या हुआ। डैड बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, कहते हैं कि वो लड़का जिसने मुझे किडनैप किया था वो दोबारा से आ गया है, की बार तू मुझे मार देगा। इन्हें समझ जाती है और उनको कहती है कि डैड वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। लेकिन डैड इतना ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, कहते हैं कि अब मैं और इस घर में नहीं रह सकता। फिर नेक्स्ट समय सुबह का सीन दिखाया जाता है। आंटी इलाके में जितने भी लोग रहते हैं सबको इकट्ठा कर लेती है और उनको बता रही होती है कि सामने वाले मैंशन के अंदर एक वैम्पायर रहता है। इसको सुन के किसी को भी उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता, तो वो कहती है कि पहले मैंने भी इस बात पे यकीन नहीं किया था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान रह गई। अगर तुम लोग को यकीन नहीं आए तो मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो। जिसे सुनकर सभी लोग मान जाते हैं। वही हमें नहीं का दिखाया जाता है, वो नीचे आती है। बुयल भी उसके सामने आ जाता है तो उससे पूछने लगती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। बुयल कहता है कि मैं काफी ज्यादा बेहतर हूँ। इन्हें कहती है कि फिकर मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ब्लड लेने के लिए जा रही हूँ। वो ये कह ही रही होती है कि इतने में बुयल चक्कर खाके उसके ऊपर गिरने लगता है। इन्हें की शोर करते ही डोंग फौरन भागता वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों बुयल को पकड़ के लाके उसके रूम में लिटा देते हैं। इतने में बाहर से शोर की आवाज आने लगती है, तो इन्हें बाहर आके देखती है कि काफी सारे लोग आए हुए हैं, तो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आंटी कहती है कि हमें बुयल से मिलना है, तुम उसको बाहर बुलाओ। इन्हें कहती है कि अभी वो बाहर नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग सब यहाँ से जाएं। ये कह के इन्हें ऊपर जाने लगती है। आंटी कहती है कि हमने सुना है कि वो लड़का वैम्पायर है। इन्हें सुन के एकदम ही हैरान हो जाती है। वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग बुयल के बारे में बात करने लगते हैं कि उसको बाहर बुलाओ। इन्हें कहती है कि आप लोग सब आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। आंटी कहती है कि झूठ मत बोलो, कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो एक वैम्पायर है। इन्हें कहती है कि मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इस तरह से शोर करके हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप लोग सब फौरन यहाँ से चले जाएं। ये कह के इन्हें खुद अंदर जाने लग जाती है। आंटी को भी गुस्सा आता है और कहती है कि इसको देखो, ये कितनी ज्यादा बदतमीज है। इन्हें अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है। चैंग कहता है कि अब तो सभी लोगों को पता चल गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ से क्यों जाओगे, सिर्फ इस वजह से कि तुम लोग वैम्पायर हो, जबकि तुम लोग किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। ये सुनकर चैंग कहता है कि तुम वाकई श्योर हो कि हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि तुम्हारी बिजनेस की जगह है। बस तुम लोग बुयल का ख्याल रखो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। वही हमें बुयल का दिखाया जाता है, उसके पास मिस्टर डू की कॉल आती है। मिस्टर डू उसको कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है और अकेले आना। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि बुयल अपने घर के पीछे वाले हिस्से में आ जाता है। मिस्टर डू वही उसका वेट कर रहे होते हैं, तो उनसे पूछता है कि तुमने रात के इस वक्त मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। मिस्टर डू कहते हैं कि मैंने सब कुछ देखा, इन्हें तुम्हारी वजह से मरने ही वाली थी। बुयल कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो नहीं जानता कि ली मिस्टर डू के साथ मिलकर काम कर रहा है। मिस्टर डू कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कब तक इन्हीं को प्रॉब्लम में डालने वाले हो, क्या तुम्हें उसके लिए जरा भी बुरा नहीं लगता, आखिर तुमने उसके लिए किया ही क्या है। बुयल कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर मिस्टर डू बुयल के करीब आते हैं, उसको खंजर देने लग जाते हैं। बुयल देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसी खंजर को देख रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग इन्हीं के लिए समझ चुका हूँ, लेकिन ये मर नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद भी इन्हीं से वादा किया है। ये कह के बुयल वहाँ से जाने लग जाता है। मिस्टर डू को ये बात सुनकर गुस्सा आता है, तो वो खंजर निकाल के बुयल को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं इतने में इन्हीं वहाँ पर आ जाती है और बुयल को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहते हुए उसकी नजर मिस्टर डू के ऊपर पड़ती है, जिनके हाथ में खंजर होता है, जिसको देख के बुयल हैरान होता है। इन्हें इससे कहती है कि रात के इस वक्त तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। बुयल कहता है कि मैंने ही मिस्टर डू को यहाँ पर बुलाया था ये कहने के लिए
है कि मेरे जाने के बाद वो गेस्ट हाउस का ख्याल रखें। ये सुनकर मिस्टर टू फौरन बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने बॉय को यहाँ पे बुलाया था ये पूछने के लिए कि आखिर कब तक ये तुम्हें इस तरह से प्रॉब्लम में डालता रहेगा। इन्हें को इन दोनों का बिहेवियर काफी अजीब लगता है, तो वो अचानक से बॉय के आगे आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, मगर अभी काफी ज्यादा लेट हो गया है तो हम इस बारे में कल बात करेंगे, तो आपको घर चले जाना चाहिए। ये कहते हुए इन्हें बॉय का हाथ पकड़ती है और उसको लेके वहाँ से जाने लग जाती है। मिस्टर टू बेचारे उसी को देख रहे होते हैं। काफी आगे आने के बाद इन्हें बॉय से पूछती है कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम रात के इस वक्त मिस्टर टू से क्यों मिले, कहीं तुम दोबारा से गायब होने के बारे में तो नहीं सोच रहे? और जैसा मिस्टर टू ने कहा है बिल्कुल भी वैसा मत करना। बॉय कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है तो तुम्हें बताया बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और जहाँ तक बात रही मिस्टर टू की तो वो गलत नहीं कह रहे, मेरी वजह से हर वक्त तुम पे कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। और जहाँ तक रही मिस्टर टू की बात, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मुझे वो अच्छे से नहीं जानते, लेकिन मैंने एक चीज बहुत अच्छे से नोट कर ली है कि उनके दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है वो काफी ज्यादा जेन्युइन है। ये बात सुनकर इन्हें को भी रियलाइज होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो लोग उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल घर में कैद होकर रह जाते हैं। डोंग कहता है कि हमारा तो एक्सिट ब्लड भी खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। टैंग कह रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसा हमने क्या गलत किया है जिसकी वजह से हमें घर में कैद होना पड़ रहा है। वो जब अपने दोस्तों को इतना परेशान होता हुआ देख रहा होता है तो उसको भी उनके लिए बुरा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हाइसन का दिखाया जाता है, ली उनको कॉल करता है और कहता है क्या वो मेंशन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि तुम किसी भी हाल पर उस पे गिव अप नहीं करना चाहती। हाइसन उसको फौरन झाड़ देती है और कहती है कि अपने काम से काम रखो, अब तुम्हें इस चीज को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ली कहता है कि परेशानी वाली बात तो है क्योंकि तुमने हर तरफ ये बात फैला दी है कि वो एक वैम्पायर है, सारे नेबर्स उसकी यही बात कर रहे हैं, वैसे तुम इतनी ज्यादा बुरी क्यों हो। हाइसन कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सबको ये बात जानने का हक है कि वो एक वैम्पायर है। ली सुनके कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जो भी तुम कोशिश कर रही हो वो सारी बेकार है। हाइसन कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। ली उसको बताता है कि वो अब जल्दी ही मरने वाला है। ये बात सुनते ही हाइसन एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, जरूर ये कोई बकवास है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर डू का दिखाया जाता है, उनका मैनेजर भी उनको ये बात बता देता है कि वो की आइडेंटिटी सारे नेबर्स को पता चल गई है। ये बात सुनके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही मैनेजर ये भी बताता है कि ये काम मिस हाइसन का है। मिस्टर डू ये बात सुनके कहते हैं कि काम करो, मेरी उसके साथ आज की मीटिंग फिक्स करो। मैनेजर ये सुनके जा ही रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर डू के दिल में फिर से दर्द होने लगता है। मिस्टर डू की हालत देख के वो एकदम परेशान हो जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आप ठीक तो है ना, आप यहीं पे सब्र करें, मैं आपकी जाके मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। वही नेक्स्ट टाइम एंटी का दिखाया जाता है, वो अभी भी बॉय के बारे में बात कर रही होती है। वो यही सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए हमें उससे जीतना ही होगा, यहाँ तक कि वो बॉय को परेशान करने के लिए प्लान भी बना रही होती है। लेकिन इतने में अचानक से खुद बॉय वहाँ पर आ जाता है जिसको देख के ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। बॉय को देख के आंटी उससे पूछती है क्या ये बात सच है कि तुम वाकई वैम्पायर हो, जिस पे बॉय फौरन हाँ कर देता है। ये सुनते ही दोनों और भी ज्यादा डरने लगते हैं। बॉय कहता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट की बात करनी है। ये कहते हुए बॉय अपने दिल की बात उनको बताने लग जाता है कि मैं इस जगह पे बहुत सालों से रह रहा हूँ, इतने सालों से कि आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये कहते हुए इस आंटी को ये भी कहता है कि आप मेरी वजह से किसी को भी परेशान मत करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए खतरा हूँ तो आप बेफिक्र रहिए, वैसे भी मैं कुछ टाइम के बाद ही मेंशन छोड़ के जाने वाला हूँ।